गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 83 केंद्रों पर 29,815 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 19,673 और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,142 लोग शामिल रहे, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स, CHC, PHC सहित 110 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने कहा कि लोग वैक्सीनेशन कराते समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तथा भीड़ भाड़ से दूर रहें और मास्क का उपयोग करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 83 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हमने 24,45,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन कर रखे हैं। वैक्सीनेशन बहुत स्मूथली चल रहा है। लोगों पब्लिक की आज भीड़ थी वैक्सीनेशन सेंटरों पर। हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, VRD मेडिकल कॉलेज और जिला CHC, PHC पर सभी जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। जनपद से हमारी अपील है कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। हमें सबको वैक्सीनेशन करना है। अपनी बारी का इस्तेमाल आए, बहुत भीड़ भाड़ में बिल्कुल ही ना आए। अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह भीड़ ज़्यादा होती है, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक ज़्यादा होती है, 2 बजे के बाद कम हो जाती है, तो कोशिश करें कि 2 बजे के बाद अगर कुछ की किसी को लगाना है तो खाएं, तो 2 से 4 बजे तक काफ़ी जब भीड़ नहीं रहती है तो आप लोग आ सकते हैं और वैक्सीनेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ कोविड के नियमों का पालन करें। अभी सेंसिटिविटी बनी हुई है, कोरोना को प्रिवेंशन से ही बचाया जा सकता है। मास्क तो बहुत ज़रूरी है और भीड़ भाड़ से बचना भी जरूरी है।